खान, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपका क्लास 12 सोशियोलॉजी का एग्जाम जो है दैट इज वेरी नियर, बहुत कम दिन अब हमारे पास जो है वो बचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 12 सोशियोलॉजी टर्म 2 के लिए रिवीजन के लिए काफी कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो आपके टर्म 2 में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको टॉपिक आएंगे। तो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन और अ टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। द कांसेप्ट हियर इज सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। सोशल चेंज को लेके इन केस कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फर्स्टली वी हैव टू मेंशन व्हाट एग्जैक्टली इज द सोशल चेंज। द वर्ड सोशल, ये जो वर्ड हमारे पास सोशल है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, इट इज रिलेटेड टू वी एज अ पीपल। तो जब भी आपकी सोसाइटी में, वेन एवर इन योर सोसाइटी, जब भी आपकी सोसाइटी में किसी तरीके का आपको चेंज देखने को मिल रहा है, लाइक वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग मतलब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, वर्किंग स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये सब जो कंसेप्ट होते हैं दे ऑल ब्रिंग सोशल चेंज। सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज विच ब्रिंग्स द चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग, वर्किंग स्टाइल्स एक्सेट्रा इन द होल सोसाइटी। और अ मेजर होल सोसाइटी नहीं, लेकिन एक सोसाइटी के, देखिए इनकेस ये पूरी सोसाइटी है, सिर्फ यहाँ दो लोगों में चेंज आया तो वो सोशल चेंज की बात नहीं है। सोशल चेंज तब हम मानेंगे जब आपकी मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वेयर द चेंज कैन हैपन इन द मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल में जब चीजें बदलती हुई दिख रही है, देन इट इज कैटेगराइज एज सोशल चेंज। अब सोशल चेंज पे वी हैव मल्टीपल थिंग्स, लाइक अगर हम बात करें तो आपका किस किस वजह से, अगेन मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल दीज ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस इन योर सोसाइटी। और ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो जो आपके चैप्टर हैं दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज। स्ट्रक्चर इज व्हाट? स्ट्रक्चर इज इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है। तो जब आपके किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म आपके फैमिली के सिस्टम में, मैरिज के सिस्टम में, इन सब में जब चेंजेस आते हैं, देन दे आर कैटेगराइज एज व्हाट? स्ट्रक्चरल चेंज। लाइक अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन इंटरकास्ट मैरिज वाज अ बिग टैबू, लव मैरिज वाज अ बिग टैबू, बट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ये चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग, इसी में चेंजेस सोशल चेंज में ही बात करें तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कल्चरल चेंज। जब आपके रिलीजियस बिलीफ, आपके रिलीजन, नॉर्म्स, इन सब चीजों में चेंज आता है, वैल्यूज, बिलीव्स, जो भी आप मान के चलते हो, तो दिस चेंज इज नोन एज, मीन सिंपली आपके कल्चर में चेंज आना। कल्चर सिर्फ रिलीजन नहीं है, कल्चर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। आपके रिलीजन, आपका वैल्यू, आपका बिलीव सिस्टम, ये सब मिला के कल्चर बनाता है। तो कल्चर इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन रिलीजन। क्लियर? दिस इज सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट। क्या मेजरली टू टाइप्स आप मेंशन कर सकते हो? दिस इज क्लियर टू अस, मीनिंग हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। देन हाउ सोशल चेंज इज लिंक्ड टू द प्रोग्रेस? देखिए एवरी सोशल चेंज इज नॉट प्रोग्रेस। कोई भी चीज प्रोग्रेस कब होती है? जब हम अपलिफ्ट करें, मीन्स जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल रहा है, मेरे ग्रेड मुझे चाहिए थे 90%, यस 90-95% मेरे मार्क्स आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू अर्न 30-40,000, मैं अर्न कर पा रही हूँ मंथली में 40-50,000 अर्न कर पा रही हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज इंक्रीज हो रही है, दैट इज प्रोग्रेस। तो जब जैसा हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग उस चेंज का हमें रिजल्ट मिल जाता है, मैंने अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर सेट करा, तो वो क्या रहा? वो आपका प्रोग्रेस बन जाता है। तो जब चेंज होता है डिजायर्ड डायरेक्शन में, डिजायर्ड वे में, तो वो क्या बन जाता है? वो प्रोग्रेस बन जाता है। एंड इफ इट डज नॉट हैपन इन द डिजायर्ड वे तो वो प्रोग्रेस नहीं होता है। क्लियर? सो आई होप ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से किसी टॉपिक में इन केस आपको डाउट है तो आप मुझे वो मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। इन केस आपको डाउट नहीं है तो आई विल इंट्रोड्यूस और ब्रिंग सम न्यू टॉपिक लाइक दिस टू यू एंड वी विल डिस्कस दिस। आपके एग्जाम तक हम लोग इस तरीके के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, मल्टीपल वीडियोस डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट एग्जाम में हम एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो डू लाइक द वीडियो, इसको अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट सब लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। और हो सकता है किसी और का कोई डाउट मेरे पास कमेंट में आ जाए, उससे आप सबकी हेल्प हो जाए। क्लियर? सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इन केस आपको अपने प्री बोर्ड के पेपर, आपके स्कूल में प्री बोर्ड, सेक्शनल टेस्ट वगैरह कुछ ले रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट है तो आप वो मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम के एजुकेशन हॉटस्पॉट के पेज पे,
या फिर मेरी मेल आईडी दैट इज educationhotspot0@gmail.com पे. तो वील ट्राई टू इंट्रोड्यूस और डिस्कस मोर सच क्वेश्चन विद यू. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.